अगर मैं ओमैक्स की बात करूं रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल में, आपकी एक्सपर्टीज किस में, कमर्शियल है या रेसिडेंशियल है? ऐसे कितने प्रोजेक्ट हैं जो आज तक डिलीवर नहीं हुए या अटक गए होंगे या अभी तक आपने डिलीवरी नहीं करी है या डिलेड चल रहे हैं? अब मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर मेरे व्यूअर्स यहाँ पे कुछ लेना चाहते हैं तो उनको कुछ एडिशनल बेनिफिट आप देंगे अगर वो यहाँ आके बाइंग करते हैं या यहाँ पे आके इन्वेस्ट करते हैं? सो फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू जी, आप क्या रेट करेंगे, 1 बीइंग दी लोएस्ट एंड 10 बीइंग दी हाईएस्ट? बट चांदनी चौक तो इतना कंजेस्टेड एरिया है, उसमें आपको 4.5 एकड़ जमीन मिली कैसे? सो ऐसा कुछ भी है कि अगर मैं यहाँ पे लेट से 53 लाख में एक इन्वेस्टमेंट कर दूं अपना, तो कुछ सालों तक मैं उसको बेच नहीं सकता हूँ? हाय रोहित जी, हाउ आर यू? हाय, हाउ आर यू? ऑल गुड, ऑल गुड। रोहित जी, मैं आपको जानता हूँ अच्छे से, बट आई वॉन्ट कि आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दें हमारे व्यूअर्स के लिए। हाय, माय नेम इज रोहित कपूर, आई एम एडिशनल वाइस प्रेसिडेंट फॉर ओमैक्स एंड आई एम हैंडलिंग ओमैक्स चांदनी चौक एंड एज वेल एज वर्ल्ड स्ट्रीट एट फरीदाबाद एंड विल बी आल्सो लुकिंग आफ्टर द फ्यूचर डेवलपमेंट्स हैपनिंग इन दिल्ली एनसीआर। ओके, तो ओमैक्स का अभी रिसेंटली अगर मैंने देखा तो बहुत सारे एड्स भी देखे हैं मैंने ओमैक्स के, तो कुछ अलग करने वाले हैं, कुछ विजन क्या है कंपनी का? देखिए, अभी अगर आप पास अगर हमारी डिलीवरी देखें तो ओमैक्स इज अवेलेबल इन 6 different states एज वेल एज हम लोगों ने अभी अप्रॉक्सीमेटली 130 million+ square feet अभी डिलीवर किया है। ओके, एंड हम लोग अभी दिल्ली एनसीआर रीजन में काफ़ी सारी डेवलपमेंट्स लेके आ रहे हैं, वेदर इट इज़ द्वारका, करोल बाग, and will be coming up with other residential developments. These are all commercial. However, हमारी residential development की भी planning है, so हम residential development भी लेके आएंगे दिल्ली NCR। So अगर मैं ओमैक्स की बात करूँ residential and commercial में, आपकी एक्सपर्टीज किस में, कमर्शियल है या रेसिडेंशियल है? अगर आप हमारा पोर्टफोलियो देखें तो हमारे रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों ही हमारे सक्सेसफुल वेंचर्स रहे हैं। वी हैव, जैसे कि अगर आप देखें, लखनऊ हो गया, पंजाब हो गया, हम लोगों ने काफ़ी रेसिडेंशियल एंड कमर्शियल, इनफैक्ट मैं बोलूँगा हमारी जो एक्सपर्टीज़ है वो मिक्स डेवलपमेंट की एक्सपर्टीज़ है, जहाँ पर हम रेसिडेंशियल हो गया, कमर्शियल हो गया, कमर्शियल रिटेल हो गया, कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस हो गए, हमने हर तरह की डिलीवरी दी है। वो जी, लोग ये कहते हैं कि कमर्शियल जो है वो बनाना बहुत ईजी है लेकिन इसको चलाना बहुत डिफिकल्ट है। जी, आपने बताया कि आपके बहुत सारे कमर्शियल ऑलरेडी चल रहे हैं, मुझे कुछ नाम बताइए कि कौन सा आपके सक्सेसफुल कमर्शियल चल रहे हैं। देखिए, अगर हमारा पोर्टफोलियो देखें, कंपनी पोर्टफोलियो देखें, तो हमारा जो मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट है वो हमारा वर्ल्ड स्ट्रीट है फरीदाबाद में। वहाँ पर जो जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने हमारे साथ इन्वेस्ट करा है, उनकी जो कैपिटल एप्रिसिएशन है वो बहुत अमेजिंग रही। ओके, प्लस वहाँ पर हमने बहुत अच्छे एंड सक्सेसफुल ब्रांड्स प्लेस करे हैं। ओके, और उनको अच्छा लीज भी मिल रहा है वहाँ पर लोगों को। ऑलराइट, एंड वी हैव, अगर हमारा कमर्शियल डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है, वी आर वन ऑफ द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। ऑलराइट रोहित जी, अभी ओमैक्स को कितने साल का टोटल वर्किंग हो गया, एक्सपीरियंस हो गया है, एज अ कंपनी कब से रन कर रही है ये? देखिए, कंपनी स्टार्ट हुई थी इन लेट 1980s, सो वी हैव एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 35 इयर्स। कंपनी, एज एवरीबॉडी इज अवेयर, कंपनी जो है मिस्टर रोहतास गोयल, आवर रिस्पेक्टेड एमडी सर, जी, स्टार्टेड द ऑर्गेनाइजेशन इन लेट 1980s। ओके, एंड वी हैव प्रेजेंस इन ऑलमोस्ट 6 different states एंड इन टर्म्स ऑफ लैंड बैंक आई थिंक वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट इन रियल एस्टेट इन इंडिया। ऑलराइट, आपने बताया कि 35 इयर्स से योर कंपनी इज फंक्शनल एंड अप एंड रनिंग, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं होंगे, ऐसे कितने प्रोजेक्ट हैं जो आज तक डिलीवर नहीं हुए या अटक गए होंगे या अभी तक आपने डिलीवरी नहीं करी है या डिलेड चल रहे हैं? देखिए, अगर ऑब्वियसली आई मीन रियल एस्टेट है, देर आर लॉट ऑफ चैलेंजेस, बट हाउएवर अगर आप हमारा कोई प्रोडक्ट देखें, देखिए थोड़ी बहुत डिलीवरी ऑन टाइम 5 to 6 months हियर एंड देयर इज एब्सोल्युटली फाइन, मतलब वो तो नॉर्मल है। उससे ज़्यादा हमारा कोई भी प्रोडक्ट अभी तक ऐसा कोई जो हमने स्टार्ट किया हो डिलीवर नहीं हुआ, ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है हमारा। 35 इयर्स में एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं जो अटक गया हो? नहीं, ऐसा कोई भी हमारा प्रोजेक्ट नहीं है, वी हैव सक्सेसफुली डिलीवर्ड ऑल आवर प्रोजेक्ट्स। जैसा आप अगर देखें, हम लोग मार्केटिंग कैंपेन्स, हमने वैसे हम वी डू लॉट ऑफ मार्केटिंग कैंपेन्स, बट वन USP ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज दैट हमारे पास बहुत सारे रिपीटेड कस्टमर्स आते हैं जिन्होंने हम लोगों के साथ इन्वेस्ट करा है, उन लोगों का हमारे ऊपर ट्रस्ट है। इनफैक्ट आई कैन सक्सेसफुली से दैट ऑलमोस्ट 75% जो हमारी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है वो परचेज करते हैं। ऑलराइट, अब मुझे एक चीज़ बताइए कि अगर मेरे व्यूअर्स यहाँ पे कुछ लेना चाहते हैं तो उनको कुछ एडिशनल बेनिफिट आप देंगे अगर वो यहाँ आके बाइंग करते हैं या यहाँ पे आके इन्वेस्ट करते हैं? ऑफ कोर्स यस, इफ आपके चैनल से अगर आप
कि कस्टमर्स हम लोगों को विजिट करते हैं एंड इफ दे शो इंटरेस्ट इन अस एंड दे वांट टू गो अहेड एंड परचेज समथिंग ऑफ कोर्स यस दे विल वी विल डेफिनेटली गिव देम सम बेनिफिट ऑलराइट एंड I want this commitment from you. Of course, yes. All right. अब मुझे ये पूरा मॉल घूमना है यहाँ पे क्या क्या काम चल रहा है कैसे कैसे चीज़ें बन रही है क्या क्या साइजेज हैं क्या लेआउट है एंट्री क्या होगी एग्जिट्स क्या होंगे कनेक्टिविटी कैसी होगी ये सब कुछ जानना है ये कौन बताएगा सो मेरी टीम में मिस्टर पारस अरोड़ा है ही इज़ वर्किंग एज डीजीएम विद अस एंड ही विल टेक यू अराउंड द एंटायर प्रॉपर्टी ही विल शो यू व्हाट ऑल इज कमिंग अप व्हाट ऑल ब्रांड्स दैट वी आर टाइड अप विद एंड ही विल गिव यू विल शेयर ऑल इन्फॉर्मेशन ऑल राइट हाउ एज अ डेवलपर ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए बहुत सवाल पूछ चुका हूँ मैं आपसे हाउ एज अ डेवलपर यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट दिस प्रोजेक्ट क्योंकि आस पास ऑलरेडी बहुत सारे मार्केट बसी हुई है बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे बाइंग करते हैं एंड आस पास अगर मैं देखूँ तो कोई ऑर्गेनाइज मार्केट नहीं है ये सारा कुछ चांदनी चौक सालों से चला आ रहा है वो चांदनी चौक चल रहा है मार्केट ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं है आप उसके बीच में एक मॉल खोल रहे हैं हाउ कॉन्फिडेंट यू आर कि ये मॉल उससे उनसे उनके मार्केट से ज़्यादा चलेगा देखिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ इनफैक्ट मैं आपको अपना ही एग्जांपल देता हूँ जी कुछ टाइम पहले मैंने अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदी सो आई वांटेड टू बाय इंटीरियर लाइट्स फॉर माय प्लेस तो मैं चांदनी चौक आया ऑब्वियसली मेट्रो से ट्रैवल नहीं करता हूँ तो आई केम बाय माई कार तो मैंने कार पार्क करी नियर टू रेड फोर्ट एंड वहाँ से रिक्शा में धूप में रिक्शा में ट्रैवल करके पसीने इट वॉज ऑल स्वेटी सो मैं लाजपत राय मार्केट आया मैंने वहाँ पर परचेज़ करा परचेज़ करके जब मैं वापस पहुँचा बिकॉज वी वर इन चांदनी चौक सो वी वॉन्टेड टू हैव द फैंटास्टिक फूड विच इज़ अवेलेबल है राइट सो हम पहली बात तो सामान के साथ खाना वॉज अ वेरी कम्बर्सम प्रोसेस राइट देन बाई द टाइम वी रीच आवर कार मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी कार टो हो चुकी है सो ऑल दीज ये जो फैक्टर्स हैं कि मैंने ये उसके बाद कभी दिस इस चीज इस बात को ऑलमोस्ट 5-6 ईयर्स हो चुके हैं सो 5-6 साल बाद आज मैं चांदनी चौक बिकॉज माई प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड हेयर सो मैं यहाँ पर आया सो आई हैव रियलाइज दैट कमिंग हेयर पीपल रियली लाइक दिस मार्केट एंड एवरीथिंग एंड एनीथिंग इज अवेलेबल हेयर राइट यहाँ पर पहुँचना यहाँ की जो प्रॉब्लम्स हैं फॉर एग्जाम्पल पार्किंग हो गई यहाँ पर आप कैसे यहाँ का जो मूवमेंट हो गया बिकॉज द एरियाज द रोड्स आर वेरी नैरो सो हाउएवर उस चीज़ को कंसिडर करते हुए हम लोग ये प्रॉपर्टी जो है दिस इज समथिंग लाइक विच इज़ अवेलेबल इन अंडर वन सिंगल रूफ whether you want to purchase if you have marriages happening at your place women in the family want to buy bridal jewelry or bridal wear agar ladke wale hain to unko apne liye kapde khareedne hain aur sari cheeze jo hain wo sab aapki readily available rahengi yahan par plus we are also constructing a one massive food court which is I believe in fact I am pretty sure that it is going to be one of the biggest in entire asia it's going to be 1600 seater फूड कोर्ट वेयर जो कि यहाँ की जो हेरिटेज है जो यहाँ का खाना जो टेस्ट है वो सब आपको हमारे फूड कोर्ट में मिलेगा प्लस आर टेरेस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द फैंटास्टिक प्लेस वेयर हम लोग लॉट ऑफ वी विल बी डूइंग लॉट ऑफ कल्चरल इवेंट्स जैसे आपका दिल्ली हाट है दिल्ली हाट जी जिस तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़ होती रहती हैं सो हम लोग उस तरह की कल्चरल एक्टिविटीज़ करेंगे यहाँ पर इनफैक्ट आई एम 110% श्योर वी विल be having brand launches product launches here happening here and in fact we have amphitheater so there is lot of, I mean this is going to be one stop solution for everything for from kids to the elderly people of the family this will have everything to cater ग्रेट मुझे लास्ट टाइम याद है मैं जब चांदनी चौक आया था अपनी शादी के टाइम पे आया था 2009 एग्जैक्टली उसके बाद कभी हिम्मत नहीं हुई क्योंकि पार्किंग के इश्यूज होते थे बट नाउ आई थिंक यू आर ट्राइंग टू सॉल्व अ वेरी मेजर प्रॉब्लम ऑफ पार्किंग या जिसकी वजह से यहाँ पे फुटफॉल बहुत ज़्यादा आएगा एक्चुअली अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप चांदनी चौक को देखें तो अराउंड 60 लाख लोगों की यहाँ पर फुटफॉल होती है इन टर्म्स ऑफ रिटेल पर मंथ उसको देखते हुए एंड प्लस अगर हम एंड सर वन ऑफ द बिगेस्ट इशू इज कार पार्क एज यू सेड कार पार्किंग सो ये जो मॉल है हम जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं चांदनी चौक विल हैव ऑलमोस्ट 2100 प्लस कार पार्क्स व्हिच विल एक्चुअली सॉल्व द बिगेस्ट वन ऑफ द बिगेस्ट इशूज ऑफ द कार पार्किंग
एक और इशू जो मैंने फेस किया था, आई थिंक यू विल बी एबल टू रिलेट टू इट, अगर चांदनी चौक में किसी शॉप में मुझे जाना है और उसका एड्रेस है मेरे पास, तो मैं एड्रेस से उस शॉप तक पहुंच नहीं पाता, और पहुंचता भी हूं तो मुझे एटलीस्ट एक डेढ़ घंटे तो शॉप ढूंढने में ही लग जाते हैं जी। आई थिंक अगर ये मॉल खुल जाता है और ऐसे जो ब्रांड्स हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, तो जो बायर्स हैं या जो यहाँ पर विजिटर्स हैं उनके लिए उनको ढूंढना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि दे नो कि दे जस्ट नीड टू एंटर दिस एंड वो यहीं पे कहीं पे होंगे इसी में। एग्जैक्टली। सो व्हाट वी हैव डन रियली हियर इज हम लोगों ने यहाँ पर 7 डिफरेंट एलीज बनाए हैं, 7 डिफरेंट आप कह सकते हैं स्ट्रीट्स बनाई हैं, जो कि जैसे मैंने बताया अगर इफ इट इज़ अ ब्राइडल वेयर, सो वो एली जो होगा वो ब्राइडल वेयर का एली होगा, वहाँ पर आमने सामने जो शॉप्स रहेंगी वो ब्राइडल वेयर की रहेंगी, सिमिलरली ज्वेलरी की रहेंगी, देन मेंस वेयर, मेंस एक्सेसरीज, ब्राइडल वेयर एक्सेसरीज, उस तरह की सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल रहेंगी। सो यस ऑफकोर्स, और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा वेदर आप मेट्रो से आ रहे हैं, बिकॉज मेट्रो स्टेशन इज जस्ट बिहाइंड द मॉल, सो इनफैक्ट मेट्रो स्टेशन से भी हम लोग फर्स्ट फ्लोर गेट नंबर 5 गेट नंबर 5 एग्जैक्टली योर मॉल की जो एंट्री है वो हम लोग मॉल के अंदर दे रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द मेट्रो स्टेशन। सो यस दिस इज गोइंग टू बी एड्रेस एंड दिस इज एंड द बेस्ट पार्ट इज के इसका हमारे प्रोडक्ट का कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, राइट? तो जितने भी ब्रांड्स हैं वो सब यहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, और आपको एड्रेस आपको पता होगा कि अगर मुझे अगर चांदनी चौक जाना है और चांदनी चौक में कुछ लेना है तो आपको एक एड्रेस पता रहेगा कि मुझे ओमेक्स चांदनी चौक जाना है और मुझे वहाँ पर वन ऑफ द बेस्ट खाना मिल सकता है, वहाँ पर पार्किंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल। सो यस, सो फ्रॉम एन इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू जी, आप क्या रेट करेंगे, 1 बीइंग द लोएस्ट एंड 10 बीइंग द हाईएस्ट? देखिए अगर आप प्रेजेंटली इस लोकेशन को अगर देखें इन टर्म्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ, तो अगर आप अक्रॉस द रोड जो कि ऑलमोस्ट हमारी इंडिपेंडेंस से पहले की जो बिल्डिंग्स हैं जी, वहाँ पर भी अगर आप लेट्स से अगर कोई छोटी सी शॉप विच इज लाइक 50-60 स्क्वायर फीट या ऑलमोस्ट 100 स्क्वायर फीट की जी, तो उसका भी जो पर स्क्वायर फीट रेट है दैट इज रेंजिंग फ्रॉम 3.5 लाख रुपीज़ टू 5 लाख रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। ओके, राइट। एंड अगर मैं लीजिंग की बात करूँ तो लीजिंग जो है यहाँ पर 800 रुपीज़ टू 1400 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट है। सो राइट नाउ इफ यू लुक एट इट एज एन इन्वेस्टर, आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी दैट यू हैव इन दिल्ली एनसीआर। अगर मेरे व्यूअर्स यहाँ पे आते हैं रोहित जी और जी, वो यहाँ पे बाय करना चाहते हैं या इंटरेस्ट दिखाते हैं यहाँ पे बाय करने का जी, तो आप क्या उनको कुछ एडिशनल बेनिफिट देंगे? और मैं चाहता हूँ कि जो भी उनको हैंडल करे, जो भी उनको चीज़ें बताए वो बहुत डिटेल में बताएं, एक्चुअली इस वीडियो से उनको डिटेल में पता चल गया होगा जी, तो जो भी उनको हैंडल करे बहुत प्रॉपर तरीके से हैंडल करे और सारी इन्फॉर्मेशन दे। अगर आपके चैनल के थ्रू अगर आप हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं, सो वैसे तो हम लोग इन डेप्थ नॉलेज सबको दें, बट यस ऑब्वियसली विल गिव देम एक्स्ट्रा मोर फोकस अटेंशन एंड यस ऑफ कोर्स, एंड आपके रेफरेंस के थ्रू अगर क्लाइंट्स आते हैं तो विल पास ऑन एक्स्ट्रा बेनिफिट्स व्हाटएवर वी हैव। ऑलराइट, थैंक यू सो मच। मैं पारस जी से मिलता हूँ और पूरा प्रोजेक्ट समझता हूँ जी। थैंक यू। हाय पारस जी, हाउ आर यू? आई एम गुड, यू टेल मी ब्रदर, ऑल गुड, ऑल गुड। पारस जी, मेरी रोहित जी से बात हुई थी अभी और उन्होंने बोला कि आप दिखाएंगे जी, सारा कुछ बताएंगे इसके बारे में, तो बहुत डिटेल में सारा इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन डिटेल में मिल जाएगी, एक एक चीज जानना है मुझे इस प्रोजेक्ट के बारे में, बताएंगे तो जी बताइए। शुरू करते हैं, यू स्टैंडिंग एट ओमैक्स शॉप, ओके, प्रोजेक्ट इन चांदनी चौक दिल्ली, जो एच सी सेन मार्ग पे 4.5 एकड़ की गांधी मैदान की पार्किंग होती थी वहां खड़ा है इस समय। इट्स बीइंग डेवलप्ड अंडर द पीपीपी मॉडल जो कि रीडेवलपमेंट प्लान में आता है, सो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में इस प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा मतलब है। मतलब आप एज एन ऑर्गेनाइजेशन ओमैक्स और गवर्नमेंट एज NDMC जो अब MCD के अंदर है, सो MCD के साथ ये एक मल्टी लेवल पार्किंग प्रोजेक्ट है। Okay. जिसको कंपनी एग्जीक्यूट कर रही है, बट इसमें पार्किंग कहाँ है? ये तो अगर मैं देखूं तो ये तो मुझे मॉल दिख रहा है। यही खूबसूरती है रीडेवलपमेंट की। सो यहाँ पर गांधी मैदान पार्किंग 500 गाड़ियों की जगह होती थी। ओके, सो आवर कंपनी हैज नाउ बिल्ड ओमैक्स चौक एज अ रिटेल डेस्टिनेशन, ऑलराइट, व्हिच इज एशियाज वन ऑफ लार्जेस्ट रिटेल डेस्टिनेशन, एशियाज लार्जेस्ट चांदनी चौक, और वहां पर एक ग्लोबल मार्केट में हमारे पास ओमैक्स चौक प्रोडक्ट है, विच इज वंस इन 300 ईयर्स काइंड ऑफ एन अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल। बट चांदनी चौक तो इतना कंजेस्टेड एरिया है, उसमें आपको 4.5 एकड़ जमीन मिली कैसे? हमें ये जमीन गवर्नमेंट से मिली, जैसा कि मैंने बताया पीपीपी मॉडल में ये डेवलपमेंट की जा रही है, सो वी कोलैबोरेटेड विद गवर्नमेंट एंड इस गांधी मैदान में हमने जो 500 गाड़ियों की कार पार्किंग की जगह होती थी, यहाँ पर लगभग 2,250 कार पार्किंग
बनाकर इसको रीडेवलपमेंट का प्लान एग्जीक्यूट किया। 2500 कार पार्किंग, ये आपने यहाँ के मार्केट के लिए बनाया है या जो विजिटर्स होंगे मॉल में आने वाले? एवरीबॉडी, इट विल बी अ पेड पार्किंग यूज्ड बाय द गवर्नमेंट लेटर ऑन, सो ओमैक्स वुड बी क्रिएटिंग इट फॉर द चांदनी चौक मार्केट ओवरऑल। सो जो विजिटर्स होंगे, जो शॉपर्स होंगे, जो यहाँ के दुकानदार होंगे, उन सबके लिए ये पार्किंग है। बट अगर हम चांदनी चौक देखते हैं, जो रेस्ट ऑफ दिल्ली है या रेस्ट ऑफ इंडिया है, जब हम चांदनी चौक के बारे में जान मतलब सोचते हैं जी, तो गलियों का वो माहौल नजर आता है जहाँ पे अलग अलग गली है और हर गली की अपनी एक खासियत है जी, जी, और जी। लोग वहाँ गली में कोई पराठा खाने जाता है, कोई शॉपिंग करने जाता है, बिल्कुल कोई मतलब अलग अलग चीजें के लिए अलग अलग डेजिग्नेटेड गली है। उन्हीं गलियों को वो लोग इस मॉल पे क्यों आएंगे? क्योंकि उन्हीं गलियों की एक अपडेटेड वर्जन इन द फॉर्म ऑफ अ मॉल, अ बाजार यहाँ पर रीडेवलपमेंट प्लान में क्रिएट किया जा रहा है। ऑलराइट, यहाँ पर भी ये 7 लेन्स जो आपको मॉडल पर 7 एंट्रीज दिख रही हैं, एंट्रीज यानी जो ये जो दरवाजे दिख रहे हैं यहाँ जी, ये मेन 7 एंट्रीज जो फ्रंट में आपको दिख रही हैं जी, 7 लेन से कनेक्टेड है, और जो शॉप्स, जो रिटेल शॉप्स आपको ग्राउंड फ्लोर पर और फर्स्ट फ्लोर पे मिलेंगी, उनमें वही सब जो चांदनी चौक का बेसिक एसेंस है जी, वही सब यहाँ पर भी मिलेगा आपको, चाहे वो रिटेल का हो, चाहे वो होलसेल का हो, एवरीथिंग वुड बी फाउंड अंडर 1 सिंगल रूफ इन मॉडर्न फैसिलिटीज ऑफ अ मॉल। तो यहाँ पे जो लोग बाय कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, मतलब वो इन्वेस्टर्स हैं या अलग अलग ब्रांड्स हैं या चांदनी चौक के ही कुछ बिजनेसमैन हैं जिन्होंने यहाँ पे बाइंग करी है? कौन यहाँ पे ओपन करेंगे अपने? इंडिया में और इंडिया के बाहर से यहाँ पर बायर्स हैं, सो एंड यूजर्स भी हैं, इन्वेस्टर्स भी हैं। बेसिकली दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू कैश इन फॉर अ पर्सन हु इज लुकिंग टू इन्वेस्ट समथिंग इन द लोकेशन ऑफ चांदनी चौक विच हैज मैसिव फ्यूचर रिटर्न्स। चांदनी चौक इतनी बड़ी मार्केट है कि ऑल इंडिया लेवल से या इंटरनेशनल लेवल से लोग यहाँ खरीदारी करने आते हैं जी, घरों में शादियां होती है तब यहाँ आते हैं, होलसेल में सामान खरीदना होता है तो डिफरेंट डिफरेंट सिटी से लोग यहाँ के मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस करते हैं, बट उनको आज उन गलियों में जाना पड़ता है जो इनकन्वीनियंट है। आज यहाँ पर पार्किंग की डेंसिटी की वजह से पार्किंग की भी बहुत ज्यादा दिक्कत है। जब आया तो कम से कम 45 मिनट तो पार्किंग ही ढूंढ रहा था कहाँ करना है। अगली बार जब आप आएंगे, जब ये प्रोजेक्ट रेडी होगा, तो यहाँ पर आपको 2000 से 2200 गाड़ियों की कार पार्किंग इसी प्रोजेक्ट में मिलेगी। इस रोड को एचसी सेन मार्ग बोलते हैं, ये इस समय कौन सा रोड है? ये एचसी सेन मार्ग है ये, सो दिस इज राइट ऑपोजिट टू द रेलवे स्टेशन ऑन आर राइट एंड लेफ्ट में शीशगंज गुरुद्वारा, सो वी आर प्रैक्टिकली ऑपोजिट टू द लाल किला। ऑलराइट, बेसिकली ये चांदनी चौक की जो लेन है पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली, वॉकवे फ्रेंडली हो चुकी है, सो देयर इज नो कार एक्सेसिबिलिटी एज ऑन डेट। सो टुडे द ओनली कार मूवमेंट दैट हैपेंस ऑन दिस पर्टिकुलर रोड, और इस रोड को एंट्री देता है ये वाला पर्टिकुलर प्रोजेक्ट थ्रू द रीडेवलपमेंट प्लान। सो अगर कोई यहाँ पे आना चाहे तो वो सिर्फ कार से ही आ सकते हैं या फिर मेट्रो कनेक्टेड है? अब रेलवे स्टेशन तो आपने बता दिया यहाँ पास में, वॉल टू वॉल चांदनी चौक का मेट्रो स्टेशन इज कनेक्टेड टू दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। इन द बैक वी हैव अ सेपरेट एंट्री प्लान फॉर द फर्स्ट फ्लोर जो डायरेक्टली आपको मेट्रो से कनेक्ट करेगा इस मॉल के फर्स्ट फ्लोर पे। The escalators from the metro station would take you to the bridge that will give you an access inside the Chandni Chowk's Omax Chowk. अगर हम यहाँ पे footfall की बात करें तो कितना है footfall इस जगह पे चांदनी चौक में आज के? चांदनी चौक में आज के टाइम पे लगभग 40-50 लाख लोग एक महीने के अंदर आते हैं, that's the regular footfall it receives. So, रोजाना 1-2 लाख के बीच में यहाँ पर विजिटर्स होते हैं जो यहाँ की लोकल शॉपिंग से लेकर बाहर के शहरों से आकर चीजें खरीदने आते हैं। मेट्रो की ही अगर मैं बात करूँ तो रोजाना 2-3 लाख की तो मेट्रो की ही यहाँ पर एंट्री है। सो अगर एक सिंपल बेसिक्स नंबर की बात करूँ तो 40-50 लाख लोग इस मार्केट में हर महीने आते हैं और वही यहाँ की फुटफॉल क्रिएट करेंगे, वही यहाँ के शॉपर्स होंगे। सो यहाँ पर जो आज इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो फ्यूचर में उस एक दुकानदार को अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर आके उस बड़ी सी फुटफॉल को केटर करने की। ओके, अब मुझे एक चीज़ बताइए पारस जी, कि आपने बताया 40-50 लाख लोग महीने में आ रहे हैं यहाँ पे, बट ये जो लोग आ रहे हैं यहाँ पे ये तो सस्ता चीज लेने के लिए आ रहे हैं, कि सस्ती चीज लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर वो बल्क में बाइंग करेंगे या इंडिविजुअल एक स्टॉक भी उनको खरीदना हो किसी भी चीज का जी, तो वो उनको चांदनी चौक में सस्ता मिलता है, उनको पता है कि किस शॉप में जाना है, कहाँ पे जाना है। एब्सोल्युटली, इतने बड़े मॉल में क्यों आएंगे? आप तो महंगा बेचोगे यहाँ पे, या जो भी इस मॉल में अपने शॉप्स को ओपन करेंगे जी वो तो महंगा बेचेंगे। अगर आप बड़े बड़े ब्रांड को यहाँ पे ला रहे हैं वो भी महंगा बेचेंगे, तो जब उनको ऑलरेडी अल्टरनेट सस्ता मिल रहा है। एक अजम्पशन है, लेट मी क्लियर इट फॉर वंस एंड ऑल, जो भी बाहर रिटेल मार्केट या होलसेल मार्केट है वही अंदर आ रही है, कुछ महंगा नहीं होने वाला। वी आर जस्ट एडिंग द अपग्रेड ऑफ मॉडर्नाइजेशन टू दिस पर्टिकुलर लोकेशन। अगर मैं बात करूं
करूं, बाहर जो बैठा दुकान में होलसेल का काम कर रहा है वही बंदा यहाँ पर एडेड विजिबिलिटी के लिए आएगा। आज यहाँ पे सैकड़ों गलियां हैं जहाँ अलग अलग टाइप के काम होते हैं, कूचा माजनी जाना है ज्वेलरी के लिए, या कटरानी जाना है, या खारी बौली जाना है ड्राई फ्रूट्स के लिए। एवरी मार्केट हैज अ लेन। सो उस लेन की अगर छोटी से छोटी शॉप जहाँ पर होलसेल की बाइंग होती है अगर वो अपनी छोटी सी प्रेजेंस यहाँ पर रखेगा तो उसको ऑर्डर यहाँ से उस नई फुटफॉल से मिलेंगे जो यहाँ पर आना ज्यादा प्रेफर करेगी, सिंस इट इज वेरी कन्वीनियंस फॉर अ पर्सन टू पार्क हिज कार हियर एंड एंजॉय द मॉडर्न फैसिलिटीज ऑफ अ मॉल। So, यहाँ पर फ्यूचर के लिए ये फ्यूचर ऑफ चांदनी चौक एक रिटेल मार्केट का अपग्रेड प्लान किया गया है जिसमें आप एक सुविधाजनक तरीके से उसी ट्रेडिशनल मार्केट के फ्लेवर्स इस जगह पे रिटेल एंड फूड कोर्ट्स के थ्रू इंजॉय कर सकते हैं इन द पार्किंग्स विच आर मल्टी लेवल। सो आपने पार्किंग की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे फिक्स कर दी। एब्सोल्युटली राइट। अगर मैं गलियों में जा रहा हूँ शॉपिंग करने के लिए तो बहुत भीड़ भाड़ होता है। बिल्कुल कुछ लोग तो चले जाते हैं, एड्रेसेस भी नहीं मिल पाते, बहुत मुश्किल हो जाते हैं लोग, उनको उनके मनपसंद चीज नहीं मिलती जब तक उनके पास कोई खास एड्रेस या कोई खास बंदा ना ले जा रहा हो। बट दिस इज अ वन स्टॉप डेस्टिनेशन वेयर एवरी लेन्स, यू सी द लेन्स इन फ्रंट ऑफ यू वुड हैव। अंदर चले एक बार और चल के देखो। सो सिंस वी आर इन अ डेवलपमेंट फेज वी हैव गिवन एन आईडिया ऑफ हाउ द लेन्स ऑफ This market would look like. Okay. You have shops on right and left. So यहाँ पे ये जो सारा कुछ दिख रहा है, ये जो wall दिख रहा है, yes, ideally these are shops. Ideally these are shops. As of now, under the construction, we've covered them to create this hall area for sitting capacities to increase. Okay. So ये जो area है, ये आपको एक depiction दे रहा है, ऐसी seven lanes हैं through the seven entries we were talking about. Right. Every lane would have its own purpose. जैसे चांदनी चौक famous है अलग अलग गलियों में अलग अलग चीजों के लिए, वैसे ही अलग अलग lanes में यहाँ पर अलग अलग type की चीजें होंगी। शायद पे कोई शेरवानी वाली गली बने, दूसरी तरफ आपको आपने 12 अलग अलग दरवाजे दिखाए थे। हमने 7 फ्रंट में देखे हैं जी, 2 साइड्स में और एक पीछे के एंट्री, टोटल 10 एंट्रीज मिल जाएंगी। 10 एंट्रीज मिलेगी जी जी, तो यानी 10 अलग अलग गली होंगी यहाँ पे। यहाँ पर 7 गलियां होंगी और दोनों तरफ दुकानें होंगी जिसमें अलग अलग टाइप से चांदनी चौक का ही फ्लेवर आपको मिलेगा। मतलब वो दुकानें किस चीज की होंगी, स्पेशलिटी क्या होगी जिसके लिए चांदनी चौक फेमस है? दो मेन चीजें हमने इस मॉल की डेवलपमेंट को दो मेन चीजों में रिटेल में बांटा है और तीसरी फूड कोर्ट है। सो रिटेल की डेवलपमेंट सारी ब्राइडल रिलेटेड है और ज्वेलरी रिलेटेड है। ये दो मेन जोन है जो इस मॉल में इससे रिलेटेड आपको चीजें मिलेंगी। आज ब्राइडल की अगर मैं बात करूँ तो चाहे वो लहंगे हो, चाहे वो शेरवानी हो, चाहे वो लेडीज के कपड़े हो, चाहे वो जेंट्स के कपड़े हो, चाहे वो जूती हो, चाहे वो एक्सेसरीज हो, हर चीज आपको इसी छत के नीचे एक सिविलाइज तरीके से मॉडर्न अप्रोच के साथ मिलेगी। ये मैं आपकी बात बिल्कुल मान गया पारस जी। अब क्योंकि ये दिल्ली का हिस्सा है चांदनी चौक और पूरे इंडिया में ऐसा मार्केट और दूसरा कोई है नहीं, बिल्कुल, तो यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट है वो तो करोड़ों में जा रहा होगा, तो एक कॉमन आदमी कैसे यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाए, कैसे इस चीज का फायदा उठा पाए? दिस प्रोजेक्ट केटर्स टू मासेस, ये मासेस के लिए बनाया गया है। यहाँ पर इंडिविजुअल शॉप्स अवेलेबल है फॉर पीपल हु वुड वांट टू बाय अ कंप्लीट शॉप। लगभग 300 स्क्वायर फीट से लेकर 650-700 स्क्वायर फीट तक की शॉप्स अवेलेबल, पर ये तो करोड़ों में चले जाएंगे। बिल्कुल चली जाएंगी क्योंकि चांदनी चौक किसी के पास बजट हार्ट में आप बैठे हो तो थोड़ी प्राइस तो देनी पड़ेगी, बट हमने इसको मास फ्रेंडली बना दिया छोटे छोटे नॉन लॉकेबल ऑप्शंस के साथ विच आर अवेलेबल स्टार्टिंग 54 लाख रुपीज फॉर अ 40 स्क्वायर फीट काइंड ऑफ अ स्पेस। सो 54 लाख रुपीज से इन्वेस्टमेंट यहाँ पे शुरू हो जाता है एंड देन इट गोज अप टू व्हाट प्राइस? इट गोज अप टू 10 करोड़ फॉर अ लॉकेबल स्पेस। ओके, यहाँ पर आप 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख में अपने लिए वो जगह ले सकते हैं जी, जिस पर कंपनी आपको एक अच्छी कमिटमेंट के साथ रिटर्न देती है जी, जो अप्रिशिएट होते हुए आगे जाकर कुछ भी अमाउंट बन सकते हैं। बिकॉज अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है तो इट इज अंडर वैल्यू, जब ये डिलीवरी के साथ टेनेंट्स के साथ एक ऑपरेशनल जगह होगी द कैपिटल एप्रिसिएशन वुड किक इन। सो ऐसा कुछ भी है कि अगर मैं यहाँ पे लेट्स से 53 लाख में एक इन्वेस्टमेंट कर दूं अपना तो कुछ सालों तक मैं उसको बेच ही नहीं सकता हूँ? देर इज नो सच लॉक इन, आपको जब इधर से एग्जिट करनी है यू कैन गेट एन एग्जिट, नो वरीज। Okay. It's a sellable, transferable property as of now. और ये प्रोजेक्ट लॉन्च कब हुआ था? ये 2019 में कंपनी ने लॉन्च किया था एंड मैसिवली 2020 में इसमें वो सेल्स रिसेप्शन आई एंड इट काइंड ऑफ गॉट सोल्ड आउट बाय 2022। Okay. हमने अभी थोड़ी सी सेल्स पॉज करी थी, नाउ वी आर ओपनिंग द सेल्स अगेन फॉर दिस प्रोजेक्ट। ऑलराइट, एंड दिस वुड बी लॉन्च्ड इन ऑगस्ट एज एक्सपेक्टेड। ऑगस्ट एज इन ऑगस्ट व्हिच ईयर? Next month, I'm talking. Next month August. Means you will be making this mall functional. No, the launching of the new spaces that we are planning. Okay. ये आपको August में available हो जाएंगी. For All right. Getting a unit with the company, you can get in touch with people from the sales.
एंड आप केटर कर सकते हैं कि आज आपको क्या करना है टू गेट योरसेल्फ अ शॉपिंग स्पेस इन दिस वंडरफुल प्लेस. और ये मॉल फंक्शनल कब से हो जाएगा? ये मॉल फंक्शनल लगभग एक साल का भी कंस्ट्रक्शन बचा है, सो वी एक्सपेक्ट द कंपनी टू कंप्लीट विद इन अ ईयर्स टाइम. मतलब 2023 में दे शुड बी फंक्शनल. ओके. नॉर्मली मैं किसी भी प्रोजेक्ट में जाता हूँ तो आई सी की मैं पूछता हूँ कि कितने वर्कर्स काम कर रहे हैं और कितने लेबर्स लगे हुए हैं यहाँ पे. बट आई कैन सी जब हम ये डिस्कशन कर रहे हैं तो हमें काम को रुकवाना पड़ा स्पेशली आवाज की वजह से, क्योंकि यहीं पे अगर मैं गिनूं तो 100 से ज्यादा तो इसी फ्लोर पे दिख जाएंगे सामने. एब्सोल्युटली, वी आर वेरी कमिटेड टुवर्ड्स द टाइमलाइंस दैट वी हैव कमिटेड. सो हम चाहते हैं इसको जल्द से जल्दी ऑपरेट करें. देयर इज अ सेक्शन ऑफ द पार्किंग दैट वी हैव टू हैंड ओवर टू द गवर्नमेंट. ओके, तो हम जल्दी से जल्दी वो सेक्शन क्लियर करके रोड का रीडेवलपमेंट भी प्लान कर रहे हैं. अच्छा, ये सामने जो रोड जहाँ पे गाड़ियां पार्क्ड है आप उसका भी रीडेवलपमेंट प्लान करेंगे? कंप्लीट ओनली अप टिल योर फसाड और कंप्लीट रोड जहां से हम टर्न लेकर वुड कम अंडर सम रिहैबिलिटेशन एज वेल एज रीडेवलपमेंट. ओके, इसको कंपनी थोड़ा फेसलिफ्ट करने के साथ साथ इस मॉल की एक्सेसिबिलिटी जो इस मेन रोड से है उसको एनहांस करने के लिए और इजी करने के लिए अभी एग्जीक्यूट करें. ठीक है, अब जैसे आज मैं आया जी, तो यहां आने के बाद मैं गलियों में ही खो गया था कि कहां पे जाके पार्किंग करना और कहां से आपका मॉल ढूंढना है. जी, फ्यूचर में ऐसा ना हो इसके लिए क्या कर रहे हैं? मतलब ऐसा ना हो या अभी भी ऐसा ना हो, देयर इज अ सिंपल पैटर्न. एक लोकेशन का बेनिफिट है, this is right opposite to the Lal Killa. So there are few approaches that you can take. The road where we are standing, this is one of the main roads to offer an Ola Uber service. Okay. Ola Uber यहीं से चलती है. All right. और मेट्रो हमारे एकदम वॉल से जुड़ी हुई पीछे एंट्री देती है. Okay. So convenience of this road is this is located on a broad रेलवे स्टेशन रोड. अगर मैं ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन मेरे पास है और मैं उसी रोड से कनेक्टेड हूँ और आगे मेरे पास लाल किला वाली अप्रोच है, सो आई एम अप्रोचेबल फ्रॉम ऑल दीज टू थ्री साइड्स फ्रॉम द कार एंड एज वेल एज फ्रॉम द मेट्रो राइट बिहाइंड मी वॉल टू वॉल कनेक्टेड. ऑलराइट, और मेट्रो का गेट नंबर कौन सा है? गेट नंबर 5 से आज आप यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं. All right. अब यहाँ पे जो शॉप्स हैं जी, उसकी क्या खासियत है? मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे रिटेल जहाँ पे शॉप जो है, सैंपल शॉप दिखाता हूँ जो हमने तैयार करी है. जी, I'll give you an idea of how we intend to display the shops which are already here. Okay. So, ये जो आप शॉप देख रहे हैं जी, this is kind of ready. So let me give you an idea of how a shop would look like. Okay. ये तो अंदर आते ही ऐसा लग रहा है कि मैं वो शादी वाले माहौल में वेडिंग सीजन. चांदनी चौक में है, वेलकम टू द हार्ट ऑफ दिल्ली. सो दिस इज द फीलर जिसके लिए चांदनी चौक फेमस है. जब आप शॉपिंग के लिए चांदनी चौक आते हैं, जब आपको कपड़े लेने होते हैं, चाहे आप रिटेल में खरीदे चाहे आप होलसेल में खरीदे, सो मॉल वुड ऑफर बोथ दीज अपॉर्चुनिटीज. सो दिस इज अ सैंपल ऑफ अ रिटेल शॉप वेयर अ मार्केट बिजनेसमैन, अ ट्रेडर और एनीबॉडी फ्रॉम एनी मार्केट, चाहे वो चांदनी चौक हो, चाहे वो सदर हो, करोल बाग हो, रजौरी हो, डिफेंस कॉलोनी हो, कोई भी जगह हो, वहां से अगर उसको यहाँ की प्रेजेंस मेंटेन करनी है, यहाँ के क्राउड को कैटर करना है, अपनी ब्रांड वैल्यू बढ़ानी है, तो वो ऐसी कोई शॉप लेकर डिस्प्ले पे लगा सकता है. एज वेल एज दे कैन हैव देयर सेल्स ऑपरेशन फ्रॉम हियर. ओके, एंड कैटर टू द लार्ज ऑडियंसेस. सो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि आपके जो शॉप है उसकी हाइट बहुत ज्यादा है. जी, तो ये आपने सिर्फ सैंपल बनाया इस वजह से हाइट रखा है? एक्चुअल हाइट है, सो वी हैव प्रीटी टॉल शॉपिंग हाइट्स ऑफ द शॉप्स. सो लगभग 15-1 feet की यहाँ पर हम हाइट देते हैं. और यहाँ पे अब किसी को मेज़नाइन फ्लोर भी बनाना हो अपने लिए, अब तो वो हम अलाउ करेंगे? सो मेज़नाइन इज एज पर द नीड्स, सो व्हेनेवर फिट आउट शुड बी हैपनिंग, इफ अ पर्सन कैन मेक दैट हैपन दैट विल बी हिज कॉस्ट. सो देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन इन दैट? देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. ऑफ कोर्स जो फिट आउट्स के बाद एक शक्ल निकल के आती है, एन आर्किटेक्ट वुड बी द बेस्ट पर्सन टू सजेस्ट व्हाटएवर बेस्ट कैन बी डन. ओके जी, अब यहाँ पे जैसे ये वाला शॉप है जहाँ पे हम हैं, ये इसका साइज क्या है? ये आप लगभग 600 स्क्वायर फीट की शॉप में खड़े हैं. सो लेट मी गिव यू एन आइडिया, अ रन थ्रू. या सो दिस पर्टिकुलर शॉप हैज बीन क्रिएटेड एक ड्रेसिंग रूम जो चेंजिंग रूम का काम कर रहा है. ऑल राइट, सम वेटिंग एरिया ऑन योर राइट. ओके, लिटिल वार्डरोब्स हियर एंड देयर अलोंग विद अ प्रेजेंटेशन ऑफ रिसेप्शन एंड शॉपिंग एरिया. सो डिस्प्ले के साथ आपके पास यहाँ पर पूरी स्पेस निकल के करीब 600 स्क्वायर फीट की शॉप में आपके सामने है. ये तो कॉर्नर वाली शॉप हो गई जिसमें इधर भी फेसिंग है और यहाँ पे भी खुला हुआ है. जी. जो कॉर्नर शॉप्स नहीं होंगे, जो कॉर्नर शॉप्स नहीं होंगे, ऑफ कोर्स दे विल हैव अ सिंगल फेस एंट्री. ओके, सो इन केस द लेन दैट वी वर स्टैंडिंग इन, आमने सामने जो शॉप्स जी जी तो उनके आमने सामने की एंट्री होगी. तो उसका जो फ्रंट होगा वो कितना वाइड होगा? सर द फ्रंट डिपेंड्स, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग शॉप्स के अलग अलग साइजेस हैं. ओके, सो वी विल बी लीजिंग दिस एज अ कंपनी, सो ओमैक्स हैज द राइट टू लीज ऑल द प्रॉपर्टी. सो इन टर्म्स ऑफ
a 200, 400, 600, 800, 2000 square feet, any kind of a shop, okay, which would be leased out as per a requirement, it will have its 10, 20, 30 feet on front as per requirement. All right. अब यहाँ पे facilities क्या क्या है? Let's say एक अगर मैं चांदनी चौक जाता हूँ शॉपिंग करने और वहाँ पे अगर किसी को वॉशरूम जाना हो तो ये सब वो ढूंढते ढूंढते तब तक तो शाम भी हो जाएगी और उनको मिलेगा नहीं वॉशरूम भी हो जाएगी बिल्कुल. तो यहाँ पर वो मॉडर्न डे फैसिलिटीज जिसकी मैं बात कर रहा था जिसकी वजह से इट्स अ क्राउड पुलर डेस्टिनेशन. सेफ्टी सिक्योरिटी कन्वीनियंस के जितने पॉइंट्स है चाहे वो आपकी पार्किंग हो चाहे वो यहाँ के गार्ड्स हो चाहे वो एयर कंडीशन एडमिल्स हो चाहे वो वॉशरूम फैसिलिटीज हो चाहे वो लिफ्ट्स हो चाहे वो एस्केलेटर्स हो चाहे वो शॉप्स की एक्सेसिबिलिटी हो वो सब मिलेगा आपको. सो पावर बैकअप के साथ ये एक मेंटेन्ड मॉल के हिसाब से चलेगी. तो आज सब बंदे जो NCR में या वर्ल्ड ओवर जो एक मॉल कल्चर से वाकिफ है ये उनके लिए एक रिटेल डेस्टिनेशन है विच विल सर्व देम द पर्पस ऑफ कन्वीनियंस ऑफ लाइफ विद अ फ्लेवर ऑफ चांदनी चौक. जो चांदनी चौक में आज बंदा लेने आता है वो सब यहाँ पे मिलेगा. छोटी से छोटी चीज बड़ी से बड़ी चीज. अब एक चीज बताइए मुझे अब चांदनी चौक में आया हूँ सिर्फ वेडिंग भी नहीं चांदनी चौक का खाना भी बहुत फेमस है. कुछ कुछ ऐसी गलियां हैं जहाँ पे लोग वहीं पे जाकर ही खाना चाहते हैं. यहाँ पे जब आएंगे तो क्या आप यहाँ पे जो नॉर्मल जैसे KFC हो गया मैकडी हो गया ये सब खोलेंगे या चांदनी चौक के फ्लेवर्स होंगे यहाँ पे? द प्लान इज वी हैव अ कंप्लीट फूड कोर्ट डेडिकेटेड सेकंड फ्लोर. ओके. तो सेकंड फ्लोर पे जो फूड कोर्ट हम बना रहे हैं वहाँ पर हर टाइप का ब्रांड हर टाइप की लोकल क्यूजीन अवेलेबल होगी. ओके. सो एक रेस्टोरेंट जो थीम बेस्ड होगा उसके लिए भी स्पेस है. काउंटर के लिए आपको लोकल ब्रांड्स सारे के सारे अवेलेबल मिलेंगे. तो अगर आपको छोले भटूरे खाने हैं तो सीताराम वाला भी मिलेगा. अगर आपको नागपाल के छोले भटूरे खाने तो वो भी मिलेगा. सो वी आर ट्राइंग टू गेट ऑल ऑफ दीज लोकल नेम्स टू द फूड कोर्ट एज वेल एज यू फाइंड एवरी बिट ऑफ कॉर्नर प्रेजेंस इन द मॉल. बट आर दे रियली इंटरेस्टेड? क्योंकि जो बहुत पुराने हैं यहाँ पे वो थोड़े रिजिड भी होंगे अपने चीजों को लेके थोड़ा उनके सेंटीमेंट्स भी होंगे इमोशंस भी होंगे कि हमने 50 साल से या कई सालों से हमने हमारा बिजनेस यहाँ चल रहा है जी. हम उसको शिफ्ट करके यहाँ क्यों आए? तो वो चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं. सी इट्स नॉट अबाउट द शिफ्ट दैट वी वरी इट्स अबाउट इफ यू कैन अफोर्ड सिंस मॉल इज अ एरिया जहां पर आपको एक सर्टेन मेंटेनेंस के साथ एक सर्टेन रेंटल वैल्यूज के साथ अपनी लाइफ मेंटेन करनी होती है. तो एनी बिजनेस हु इज ओपन फॉर एक्सपेंशन एंड कैन बियर द कॉस्ट एंड अपग्रेड टू अ मॉल दे आर मोस्ट वेलकम. जो मैंने नाम लिए उनके पास भी ऑप्शन है यहाँ आकर अपना एक आउटलेट खोलने का. जो आस पास मार्केट्स में बैठे हैं इफ दे वॉन्ट टू वी आर ओपन फॉर देम. They just have to abide by whatever the rules and whatever the facilities or the charges the company has to set. ये हो गया लोकल मार्केट के लिए. जो बड़े बड़े ब्रांड्स होंगे जी, जी, जी. वो यहाँ के अपने आउटलेट्स खोलेंगे जी. बट उनका बिकेगा कैसे जब उनका कॉम्पिटिटर यहाँ पे सस्ते में बेच रहा होगा? सस्ते और महंगे की डेफिनेशन तो यहाँ नहीं चलेगी. आप जब कुछ खरीदने जाते हैं तो 500 की भी चीज होती है 5000 की भी होती है 5 लाख की भी होती है. सेम सिस्टम यहाँ भी फॉलो करेंगे जी. जो भी बाहर के लोग बाहर की मार्केट से यहाँ की विजिबिलिटी या यहाँ का फुटफॉल कैश करने के लिए आएंगे वो लोग एक मार्केट को केटर कर रहे हैं. सो दे आर फ्री टू मिक्स देयर प्रोडक्ट्स वेल. ओके. सो द परचेज पॉइंट इज नॉट एन इशू. यहाँ पर जो ग्राहक आता है उसका बजट कम भी होता है ज्यादा भी होता है. आप यहाँ पर लोकल शॉपिंग करते हैं जितना आप बताएंगे जी इतने रुपए का सामान दिखाओ वो सामान भी दिखाते हैं उसके ऊपर वाला भी दिखाते हैं. सो द मिक्स ऑफ लोकल एंड बाहर का सब यहीं पर मिलेगा. सो यहाँ पे रिटेल भी होगा होलसेल भी होगा? एब्सोल्युटली. अ पर्सन हु वांट्स टू टेक मल्टीपल ऑर्डर्स just visibility and convenience is what he wants to offer to his clients. ab yahan pushtaini dukan wale log saalon se baithe hain ji. they have a fixed clientele. kisi ke 25 kisi ke 50 kisi ke 100 kisi ke 200. but the regular customer is a different customer who walks in. a regular trader who's coming from a different city dusre shehar se aakar yahan par order place karne aa raha hai wo bhi galiyon mein ja raha hai. ho sakta hai usko kuch काम हो और किसी और बंदे से कुछ और लेना चाहे तो इस एक छत के नीचे उसको सब वो लोग मिलेंगे जो उसकी लाइन ऑफ बिजनेस से कनेक्टेड होंगे. वो कहीं पर भी इजीली जाके इन्हीं 7 गलियों में एक्सपैंड करके अपनी एक्सप्लोर करके चीज ले सकते हैं. अब क्योंकि आपने छत की बात करी और मेरे सामने 3D मॉडल वहां रखा हुआ है जी. तो मैं देख रहा हूँ अपने छत में बहुत अच्छे से प्लांटेशन करे हुए हैं और अलग अलग सेक्शंस काटे हुए हैं जी. ये सारी चीज क्या है? वी हैव प्रोजेक्टेड दिस थिंग एज अ कल्चरल डाइवर्सिटी प्रोडक्ट. सो यहाँ पर इस छत के मल्टीपल यूजेस हैं जो कंपनी वुड बी प्लानिंग इन द नियर फ्यूचर. सो वी हैव गिवन अ रेस्टोरेंट थीम और एन एम्फी थिएटर सिट आउट थीम
और अ काइट फ्लाइंग जोन टू एड टू द फ्लेवर ऑफ चांदनी चौक. हम पुरानी दिल्ली में हैं तो पुरानी दिल्ली के जायके, चाहे वो त्योहार के हो चाहे वो स्वाद के हो, सब यहाँ मिलेंगे. अच्छा, वेरी नाइस, वेरी नाइस. अब अगर हम लेआउट की बात करें जिसको लेना है, तो बड़े साइज के शॉप्स के साइजेस क्या है, छोटे वाले शॉप के साइजेस क्या है? और ऐसा तो नहीं कि आपने जैसे बताया था 2019 में आपने काम शुरू किया था और तब से आपने सेलिंग भी शुरू कर दी जी, तो जो प्राइम लोकेशंस वाले हैं वो तो सबसे पहले बिक जाते होंगे. अब आपके पास कोई प्राइम बचेगा नहीं, तो जो बचे हुए हैं वो लोग आएंगे खरीदने के लिए. वी हैव एवरी काइंड ऑफ अवेलेबिलिटी विद अस टुडे. आपको प्राइम से प्राइम अगर आगे की फ्रंट की शॉप्स भी, वो भी हमारे पास थोड़ी बहुत अवेलेबल है. सो सिंस इट्स अ लिमिटेड स्टॉक, तो बिट्स एंड पीसेस पे इधर उधर बिखरी हुई कुछ इन्वेंट्री है ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे, जो आज आप वो भी प्राइम लोकेशन सकते हैं प्राइम लोकेशन पे, क्योंकि यहाँ पर लॉकेबल दुकान जो लगभग 200 स्क्वायर फीट से 650 स्क्वायर फीट की है वो भी अवेलेबल है, और नॉन लॉकेबल दुकान जो एक बड़ी दुकान को छोटे हिस्सों में बांट के 30 40 50 60 स्क्वायर फीट के साइज में कंपनी ने एक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट बना रखा है, स्पेस शेयर कर रखी है, वो भी अवेलेबल है. और प्राइम लोकेशन जिसको आप आज ले सकते हैं. ठीक है, आप इसमें अब जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा है जो दिल्ली एनसीआर में है ही नहीं और उसके पास 50 लाख रुपए थे, उसने यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया आपके साथ, अब वो कहाँ से ढूंढ के लाए कि कौन उसके शॉप को रेंट मिले, तो आप उसमें क्या हेल्प करेंगे? सो जो भी यहाँ पर इन्वेस्टर्स हैं, दे वुड एंजॉय अ सपोर्ट फ्रॉम ओमैक्स, बिकॉज ओमैक्स हैज द राइट टू लीज दिस प्रोजेक्ट एंड ओमैक्स वुड असिस्ट यू ऑन द लीजिंग. सो जो भी इन्वेस्टर यहाँ पर अपनी स्पेस ले रहा है, ओमैक्स वुड हैव द फर्स्ट राइट टू लीज इट. अब किसी ने 200 स्क्वायर फीट खरीदा, किसी ने 500 स्क्वायर फीट खरीदा, लेकिन ओमैक्स के पास कोई ब्रांड आया जिसको 1000 स्क्वायर फीट चाहिए, तो मैं एक डेडिकेटेड स्लॉट अपने हिसाब से उसको दे दूंगा, जिसमें जो भी इन्वेस्टर्स होंगे तो जो भी रेंटल वैल्यूज होंगी वो उन्हीं में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. दैट वुड बी द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट. ओके, तो हम उस रिटर्न को कितना परसेंटेज माने? सो प्राइमरीली द मार्केट्स इन चांदनी चौक फेच अराउंड 700-800 on the lower side to 2000 rupees per square feet on the higher side. Okay. Different lanes, different pricing. यहाँ पर हम उसी lines पर कुछ leasing कर रहे हैं. So okay. We are trying to bring in the brands as per ground, first, second floors within the same range. और अगर मैं percentage की return की बात करूँ, so as of now we are kind of expecting a 7-9% of return post possession. Okay. And I know couple of big brands जिन्होंने आपको already approach किया हुआ है. बट ऐसे कितने टाइप्स आपने ऑलरेडी कर लिए हैं कि जब आपका ये फंक्शनल होगा, यू डोंट हैव टू वेट, यू कैन गो लाइव फ्रॉम डे वन? सो एज ऑन डेट द फूड कोर्ट हैज बीन लीज्ड आउट प्रीटी वेल. अराउंड 60-70% ऑफ फूड कोर्ट हैज ऑलरेडी बीन लीज्ड. ओके, एंड इफ आई से अबाउट द रेगुलर लीजिंग ऑन द ग्राउंड एंड फर्स्ट फ्लोर, वी आर आउट देयर टिल 15-20% हैव हैपेंड ऑलरेडी एंड इट्स गोइंग ऑन. So, अभी क्योंकि लगभग साल भर है इसको ऑपरेशनल होने में, तो वी हैव अ इयर्स टाइम एंड वी विल बी गोइंग अहेड विद द ब्रांड्स वी आर टॉकिंग टू. ओके, एंड आप जैसे बता रहे 15-20%, अपार्ट फ्रॉम दैट एंड यूजर्स भी होंगे यहाँ पे, उनका क्या परसेंटेज है? सो एंड यूजर्स की परसेंटेज यहाँ पर अभी हमने ड्राइव नहीं करी है, सो वी विल बी गेटिंग टू द फिगर नियरर टू पोजेशन. ओके, बट यहाँ के जो लोकल मार्केट के जो यहाँ पे बिजनेसमैन है जी, उन्होंने भी यहाँ पे बाइंग करी है? Absolutely, या absolutely. बाहर के लोग ज्यादा हैं? बायर्स फ्रॉम एवरीवेयर, जिसने लॉकेबल दुकान खरीदी वो एंड यूजर भी है, यहाँ का भी है, बाहर का भी है, हर जगह के हैं. सो मैसिवली दिस प्लेस हैज बीन सोल्ड एट पैन इंडिया लेवल्स. सो पैन इंडिया का मतलब है लुधियाना में बैठे हुए बंदे ने भी लिया है, कानपुर में बैठे हुए बंदे ने भी लिया है, पानीपत में से भी इन्वेस्ट किया गया है, जयपुर से भी इन्वेस्टमेंट आई है. एवरी पर्सन हु हैज टू डू समथिंग विद द एनसीआर एज अ बिजनेस फंक्शन, उसने यहाँ पर कुछ ना कुछ ले रखा है. ओके, जाहिर सी बात है, मैं अगर एंड यूजर हूँ तो मैं अपनी दुकान खुद भी चलाना चाहूंगा, मैं इन्वेस्टर हूँ क्योंकि मैंने कुछ खरीदा तो मुझे रिटर्न तो मिल ही रही है. सो इन बोथ द केसेस आवर लीजिंग टीम वुड गेट इन टच एंड एग्जीक्यूट एज पर द लीज टर्म्स. जैसे मैं अंदर आया यहाँ पे जी, तो नॉर्मली क्या होता है जब मैं किसी शॉप में जाता हूँ तो शॉप के बाहर बोर्ड भी लगा होता है कि वो किस चीज की शॉप है जी, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे आपके सैंपल में नहीं दिखा, तो मैं ये कैसे डिस्प्ले करूँगा? सैंपल इज यट टू बी कंप्लीटेड, वी विल बी आउट विद ऑल द साइनेजेस, गलियों के नाम से लेकर गलियों के साइनेजेस से लेकर सब इन प्लेस होगा. सिंस इट्स एन अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी, वी जस्ट हैव अनदर ईयर टू फिनिश इट ऑन द होल. पूरी की पूरी ये 4.5 acres की डेवलपमेंट आपको यूज में विद ऑल द फंक्शनैलिटीज ऑफ प्रैक्टिकलिटीज, विद जो भी आपने पूछा कि कहाँ पर क्या है, उस सब का ख्याल कंपनी करेगी और उसी हिसाब से मैनेज करेगी. ओके, तो अब इसमें जैसे -3 बेसमेंट है, 3 बेसमेंट है, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर आ गया जिसमें हम खड़े हैं, तो ग्राउंड फ्लोर इज अ रिटेल मार्केट. एब्सोल्युटली, उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर भी रिटेल का सेटअप है, सेकंड फ्लोर पर है फूड कोर्ट,
थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर पर आपको पार्किंग ही मिलेगी सिंस इट्स अ मल्टी लेवल पार्किंग प्रोजेक्ट. ओके, पांच फ्लोर्स पर पार्किंग है, -3, -2, -1 एंड देन थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर. ओके, एंड इसके ऊपर जो है वो लगभग 22 मीटर की हाइट पर, 72 फुट की हाइट पर ये बिल्डिंग है, जो 4 मंजिला बिल्डिंग है. All right. ठीक है. So that is the flavor. So the architecture that you see here is a mix of Mughal British. So it gives you a feeler of a Mughal era combined with an architectural finish of British. But अभी मैं अंदर आ रहा हूँ तो मुझे तो ये normal mall जैसा ही दिख रहा है जो काम कर रहा है. मैं आपको फिर actual चीज दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ. जी. यहाँ पे आप शोर सुन सकते हैं, इन सबको बोला गया था काम नहीं करने थोड़ी देर के लिए. जी, दिस इज वन ऑफ द CSR एक्टिविटीज दैट अ कंपनी वुड टेक अप. ओके, गोल्फ कार्ट चलेंगे यहाँ पर हेरिटेज स्टाइल में, रेंजिंग फ्रॉम गोल्फ कार्ट कहाँ से चलेंगे? ये चांदनी चौक की मार्केट को लाल किले से कनेक्ट करने की हमारी प्लानिंग है. सो जब ये रोड रीडेवलप हो जाएगी तो ये सारी गोल्फ कार्ट जो भी आपके सामने दिख रही है, ऑल दीज हेरिटेज कार्स वुड मेक द ट्रैवलिंग ईजी बिटवीन लाल किला एंड चांदनी चौक. ओके ओके, यहाँ शोर बहुत ज़्यादा है क्योंकि काम चल रहा है, तो डिस्टर्ब नहीं करते, कुछ ऐसे जगह चलते हैं जहाँ पे शोर थोड़ा कम हो. सो द फ्लोर दैट इज शेपिंग अप बिलो यू, या दैट्स द आर्किटेक्चरल प्रेजेंटेशन आई वाज टॉकिंग अबाउट. ओके, लेट मी टेक यू टू द अंडर कंस्ट्रक्शन शक्ल लेता हुआ एंट्रेंस, विल गिव यू एन आइडिया ऑफ हाउ वी आर कमिंग आउट. ऑलराइट. ओके, ये चीजें बाहर से नहीं दिख रही थी क्योंकि आपने कवर किया हुआ है जी पूरा. सो आप आउटर फसाड देख सकते हैं, मैं हम लोग यहाँ चलते हैं. सो दैट्स द फसाड वी आर कमिंग अप विद. ओके, व्हिच गिव्स यू एन आइडिया ऑफ हाउ द थिंग्स वुड कम अप, एंड दिस इज योर मेन एंट्री. सो लाइक आई सेड देयर आर 7 एंट्रीज, 1, 2, 3 ऑल कनेक्टेड विद द लेन्स, जिन पर दुकानें आएंगी. द फोर्थ वन इज द बिगेस्ट एंट्री, लेट मी टेक यू टू द एंट्री फ्रॉम द आउटसाइड. अभी शेप में नहीं, ये जो जगह होगा ये क्या होगा, ग्रीन एरिया होगा? दिस इज वॉकवेज, द कॉमन एरिया इनसाइड द प्रमाइसेस. तो ये जो राइट में आपकी वॉल्स आ जाएंगी. जी, द मेन ग्रैंड एंट्रेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर मार्केट इज थ्रू दिस 50 फीट हाई डोम एरिया. दिस लुक्स सुपर्ब. दिस इज द मेन एंट्रेंस. ये जो आपको आर्किटेक्चरल मैग्निफिसेंस, मैं जूम करके दिखाता हूँ पहले ऊपर और फिर हम नीचे देखते हैं. जी, so this is the way it's gonna come out. so आप बता रहे थे shops कैसे दिखेंगी, इस तरह से दिखेंगी. ये जो pillars हैं, they are taking shape. this is the kind of flooring we have in plan. very nice. so magnificent style of architecture fixed with a modern day approach, having the Chandni Chowk's flavor. okay, is what is being planned. and जैसे पूरा Chandni Chowk है, उसमें जो buildings हैं वो पुरानी हो चुकी हैं. those are not seismic zone 4 compliant buildings. These are all seismic zone compliant buildings because a modern, आप देखिए 22 मीटर की बिल्डिंग में 3 लेवल की बेसमेंट बनाई है, how strong it would be. So the kind of building that we are making is built upon a prefabricated steel structure. Okay. So this is the technology that we've used, and of course the upcoming finishing that you see would give effect of a good Chandni Chowk facelift in the times to come. And entire floors are interconnected with each other, क्योंकि हम वहीं पे थे शायद, वहाँ पे उस जगह पे सामने खड़े थे. जी, हम अभी बाहर से आपको फसाद दिखाते हुए अंदर आए हैं. Since the construction is happening everywhere, right? मैं ये भी देख सकता हूँ कि आपने रेलिंग भी काफी ऊंचा लगा के रखा हुआ है यहाँ पे. So ऐसा कुछ ये रॉ है. अब ये रॉ है, since the finishing is happening on the place where we were standing on. Right. अलग अलग lanes में अलग अलग shops. And all the shops of retail would have their own identity. This is one of the lanes. उधर पीछे की तरफ escalators रहेंगी जो आपको ऊपर वाले floors पे लेकर जाएंगी. Okay. And on the back we have a metro connectivity accessibility. Okay. So metro connectivity वो जो सामने दीवार दिख रही है उसके दूसरी तरफ से आएगी और first floor पर, हाँ जी, और first floor पर आपको connect कर देगी. Okay. Directly inside. तो यहाँ पे जिनको first floor जाना है जी, उनके लिए क्या, क्योंकि सामने तो मैं कोई escalator या elevator नहीं दिख रहा है मुझे. The lifts would be on the left and right side of this complete area. Okay. There are multiple lifts. लगभग 15 lifts available है आपको इस पूरे सेक्शन में. ओके, देर आर टू कार लिफ्ट्स आल्सो.
कार लिफ्ट का मतलब हो गया कार के साथ आप ऊपर जाकर अपना लोडिंग अनलोडिंग एज अ ट्रेडर एज अ शॉपकीपर मेंटेन कर सकते हैं. सो देयर आर डेडिकेटेड बेस फॉर द ट्रक्स टू लोड अनलोड इनसाइड. यही मैं पूछना चाहता था जी. सो आपकी जो हाइट है पासिंग की उसमें ट्रक्स आराम से इजीली आराम से बड़े वाले ट्रक्स. बिल्कुल. सो वी आर वेरी फ्रेंडली टुवर्ड्स द मैनेजमेंट ऑफ चांदनी चौक मार्केट. हमें पता है हम चांदनी चौक में तो सारी सुविधाएं सारी फैसिलिटीज सारी के सारे चीजें उसी हिसाब से बनाई गई है. ओके वेरी नाइस. पारस जी ये सारे रॉ हैं. ये सारी रॉ हैं. तो किसी को अगर बड़ा चाहिए यहाँ से लेकर वहाँ तक जी तो वो ऑप्शन भी अवेलेबल है. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. सो वी विल बी लीजिंग कंप्लीट एरियाज एज पर रिक्वायरमेंट्स ऑफ आवर क्लाइंट्स. ऑलराइट जी. ये आप देख सकते हैं ऑन द राइट दैट इज हाउ द प्रोजेक्ट वुड कम अप. ओके दैट्स द एक्सटर्नल फसाद दैट इज बीइंग प्लान्ड. ऑन द इनसाइड वी वुड हैव ट्रेडिशनल स्टाइल डेली फ्लेवर पुरानी दिल्ली फ्लेवर्ड इंटीरियर्स जो आपको यहाँ पर ज्यादातर दिखेंगे जी. शॉपिंग डेस्टिनेशन तो ये एक बार यहाँ सामने से देखते हैं पास से जी. सो ये जो वॉकवे दिख रहे हैं वो ऐसे लाइटिंग होंगी आपकी. एब्सोल्युटली. सो ऑल द लाइटिंग द वेट करीब करीब 18 फीट चौड़ी यहाँ पर गलियां हैं. ओके लेन्स बिहाइंड यू. अब ये जो पूरा मॉल है जी इसका रेरा है आपके पास. बिल्कुल है. रेरा रजिस्टर्ड है ये. एब्सोल्युटली. और एज पर रेरा नीचे यू कैन क्लोज इन ऑन आवर रेरा रजिस्ट्रेशन नंबर्स आल्सो. ओके वहाँ पे रेरा नंबर लिखा हुआ है जी. सो एज पर रेरा ये कब तक कंप्लीट करने का है क्या टाइमलाइन है इसका. 2024 में. 2024 बट आप नेक्स्ट ईयर 2023 में रनिंग अहेड ऑफ आवर शेड्यूल. ऑलराइट. सो वी विल बी इन अ पोजीशन टू ऑफर दिस वेरी अर्ली. ऑलराइट. पारस जी आपने हमें फिजिकली तो दिखा दिया सब कुछ जी बट मैं एक बार जानना चाहता हूँ आपके लेआउट प्लान्स में कि कैसा है लेआउट प्लान जी. एक बार आप प्लीज इस लेआउट प्लान को समझा दें. सो व्हाट यू हैव इन फ्रंट ऑफ यू इज अ ड्राफ्ट कॉपी फॉर द ग्राउंड फ्लोर प्लान जिसमें द मेन एंट्रेंसेस जिसमें भी हम गए थे वो यहाँ पर इंडिकेटेड है. ओके. तीन एंट्रीज ऑन योर लेफ्ट तीन एंट्रीज ऑन योर राइट. और ये जो शॉप्स दिख रही हैं आपको राइट ये जो क्लियर शॉप्स हैं दीज आर द लॉकेबल स्पेसेस जो मैंने आपको बताया लगभग 200 स्क्वायर फीट से 650 स्क्वायर फीट तक की रेंज में अवेलेबल है. ये वाली चीजें क्या है यहाँ. इन्हीं को मैं नॉन लॉकेबल कहता हूँ कि एक शॉप को मल्टीपल pieces में distribute करके we've created smaller shopping spaces which can be bought by masses at a relatively lower price. Okay. अगर आप एक 7 करोड़ की 6 करोड़ की 5 करोड़ की दुकान के 15 हिस्से 20 हिस्से कर देंगे तो उस हिसाब से ये चीज काफी अफोर्डेबल हो जाएगी. और वो हमने यहाँ पर आपको दिख सकता है we've marked all our shops with numbers. This shop number has A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, 12, 14, 16 तो ये जो हम shops की बात कर रहे हैं let's say मैं इसमें A और B ले लेता हूँ अगर जी तो उसकी रजिस्ट्री A और B की मेरे नाम पे होगी. बिल्कुल होगी. सो रजिस्ट्री इज ओपन फॉर दिस इज अ लीज रेंटेड मॉडल. सो लीज अग्रीमेंट वुड बी द रेंट एग्रीमेंट वुड हैपन फॉर यू एंड BBA वुड बी साइंड ऑफ. ऑलराइट. तो सिमिलर ही रेप्लिका हमारे सेकंड फ्लोर. एब्सोल्युटली. सिमिलर इज फॉर फर्स्ट फ्लोर एंड सिमिलर इज फॉर सेकंड फ्लोर. सो व्हाट वी आर सेलिंग टुडे इज अ ग्राउंड एंड अ फर्स्ट फ्लोर यूनिट. सो ये आपकी एंट्रेंस यहाँ से आपके मॉल की अंदर का एरिया बाहर आपको मल्टी लेवल की कार पार्किंग जो ग्राउंड फ्लोर से होते हैं. लिफ्ट कहाँ कहाँ पे है. और सो लाइक आई मेंशन्ड इन द फ्रंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू हैव मल्टीपल लिफ्ट्स. ओके. अलोंग विद टू कार लिफ्ट्स जी. देन ऑन द राइट यू हैव मल्टीपल लिफ्ट्स अलोंग विद स्टेयरकेसेस. सो दीज आर बिग लिफ्ट और स्मॉल लिफ्ट जिसमें 5 लोग ही जा सके. दीज आर पैसेंजर लिफ्ट्स अलोंग विद सर्विस लिफ्ट्स. एवरी काइंड ऑफ लिफ्ट्स इज अवेलेबल 8 से 15 लोगों के बीच में जितनी भी आपको लिफ्ट्स मिलेंगे. अगर आपको मौका दिया जाए कि आप यहाँ पे बाय करो कुछ एंड यू हैव अ लिमिटेड बजट जी तो आप क्या बाय करेंगे. मैं यहाँ पर और किस फ्लोर पे. मैं यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर पर कोई भी छोटी से छोटी एंट्री जरूर चाहूंगा बिकॉज इट विल बी एन इनकम फॉर द लाइफ. चांदनी चौक वुड नेवर गो आउट ऑफ फैशन. सो चांदनी चौक में एक दुकान होना शान की बात है. चाहे बारिश हो गर्मी हो धूप हो सर्दी हो यहाँ भीड़ कम नहीं होती. यहाँ भीड़ कम नहीं होती लेकिन आप उस सुविधाजनक कंडीशन में रहेंगे जहाँ पर आपको कमी किसी चीज की नहीं होगी. राइट राइट. सो ये वो जगह है जहाँ पर आपका बिजनेस पर्पस हमेशा रिटेन रहेगा. And you would always get a client, no matter बाहर जो भी मौसम है. Right. इस वीडियो में मैंने almost Omax Chowk, यानी ये जो मॉल बन रहा है उसके बारे में आपको डिटेल में बता दिया. मेरे साथ पारस जी ने भी आपको डिटेल में बता दिया. पारस जी के तो पसीने छूट गए बताते बताते. सारे क्वेश्चंस के आंसर बहुत ऑपरेशनल नहीं है जी. अभी बाजार इज नॉट फुली डन येट. तो
जब ये फंक्शनल होगा तब भी मैं कोशिश करूंगा कि एक डिटेल में वीडियो बनाऊं फंक्शनल होने के बाद। फिलहाल अभी इतना ही था। पाल जी, ऐसा कुछ क्वेश्चन है या ऐसा कुछ चीजें हैं जो अभी तक मैंने आपसे ना पूछा हो? वेल, हमने लोकेशन से लेकर कम्युनिटीज से लेकर ऑप्शंस यहाँ पर सारे जो अवेलेबल हैं, चाहे वो मैप्स, सब डिस्कस कर लिया है। समथिंग मेंटेनेंस चार्जेस नहीं पूछा मैंने आपसे, मेंटेनेंस चार्जेस क्या होगा? मेंटेनेंस चार्जेस आर येट टू बी डिसाइडेड, इट्स नॉट ऑपरेशनल येट। ओके, बट जो एक ऐसी रिटेल डेस्टिनेशन में 15-20-25 रुपए की रेंज में जो भी एस्टैब्लिशमेंट आती है वो यहाँ पर भी रहेगी। ओके, ऑल राइट। कुछ ऐसी चीजें जो अभी भी आप बताना चाहते हो कस्टमर्स को या व्यूअर्स को? बहुत लिमिटेड सा स्टॉक अवेलेबल है, जस्ट ट्राई एंड फाइंड सम टाइम, विजिट द प्लेस, गेट योर इंक्वायरीज डन एंड बाय योर पीस ऑफ स्पेस विद दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी। 300 साल में पहली बार आई है एक्सपेंशन और 300 साल पुरानी लेजेंडरी मार्केट है चांदनी चौक, और उसमें ओमैक्स के पास आज आपके लिए एक शॉप अवेलेबल है इन द मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटेड। सो बाय योरसेल्फ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी एंड वैल्यू इट फॉर लाइफ। और नीचे मेरा नंबर दिया हुआ है, अगर कुछ भी आपको पूछना हो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या नीचे मेरा नंबर दिया हुआ आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।